आपका स्वागत है अपने चैनल आईना छिकारा की नई वीडियो में। और अभी ये ब्लॉग मैं सुबह के 8 बजे शूट कर रही हूँ। बस अभी मैंने योगा करके ख़त्म किया है, अब मैं फटाफट से अपना सारा काम करूँगी, काम करके और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि गर्मी में ना बहुत ज़्यादा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सुबह उठते ही ऐसे हो जाता है, बस सुबह उठ गई 5 बजे, उठ के पानी वानी पिया और फिर ऐसे हो जाता है बस जाके कूलर चला के और सो जाऊँ, पता नहीं क्या। लेकिन आज थोड़े से बादल हो रखे हैं, पता नहीं दिन में क्या होगा। कल तो मौसम दिखाया था मैंने, सतरंगी मौसम हो रखा था कल तो चलो अभी फटाफट से मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना सारा और फिर मिलते हैं बाहर। तो भैया अभी हम अंदर बैठे थे और अंदर चली गई लाइट, तो हमने बाहर आके देखा ना तो मिक्स सा मौसम हो रखा है, मतलब बारिश भी आ रही है, हवा भी चल रही है, आंधी भी चल रही है, और एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है और एक तरफ से गर्म हवा आ रही है। कोई बता सकता है मेरे को कैसा मौसम है, इसको क्या, कौन सा मौसम हो? देखो वहाँ पे धूप दिख रही है, उधर धूप है, ठीक है, ये देखो बारिश वाले बादल हो रखे हैं और नीचे बारिश भी होगी है और आंधी भी उड़ रही है, शायद दिखती नहीं होगी इसमें, और इतनी गर्म हवा आ रही है, एक साइड से गर्म आ रही है, एक साइड से ठंडी आ रही है। बारिश के मजे ले, हवा के मजे ले, ये क्या करें। अब होगी बंद, हवा भी बंद हो गई है, बारिश भी नहीं आ रही और अब इतनी गर्मी हो गई है एकदम, है ना। कुछ बता सकते हैं आप कैसा मौसम है? सतरंगी। सतरंगी कैसा होता है? सतरंगी मतलब बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली हुई है, हवा भी चल रही है, हैं, और आंधी भी उड़ रही है, हैं, तो चार हो गए। तूफान आ जाएगा। बस समझ में नहीं आ रहा, चलो अंदर चल के बैठेंगे, गर्मी होगी बाहर, पता नहीं क्या बारिश करी। तो भैया आज तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब बाहर जैसे वॉकिंग करके आते थे शाम को, वो भी मन नहीं किया, और गर्मी में ना ऐसा हो रहा है जैसे सिर में दर्द नहीं होता, मेरा तो ना बिल्कुल ऐसे हो रहा है सिर में दर्द। और यूँ सोचा था कि वॉकिंग करके फ्रूट्स ले आएंगे, लेकिन नहीं जा सकते, वॉकिंग करके नहीं जा सकते, बस फ्रूट्स तो लिया है बाइक पर जाके और थोड़ी बहुत पार्क में अंदर अंदर सिर्फ करी है वॉकिंग, ताकि थोड़ी सी पेड़ों की ठंडक मिले, तब भी मतलब इतना कुछ वो नहीं था। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर रखी है और सुबह ही लू चलने लगी थी, गर्म हवा ऐसी गर्म हवा चलने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो अभी बस फ्रूट्स लाए और नींबू पानी बना के पिया है ताकि थोड़ा सा सिर में आराम पड़े। और बस गर्मी में ना पता है सारे दिन, एक तो सारे दिन नींद आती है, अब ना मेरे को ऐसे हो रहा है कि मैं अब बस पढ़ के और सो जाऊँ, रेस्ट तो किया था लेकिन फिर भी ना ऐसे हो जाता है कि गर्मी में ना सोते रहो। बस अब खाना खाएंगे फटाफट से और फिर से वॉकिंग, एक बार खाना खा के तो वॉकिंग ज़रूरी है, बस वॉकिंग करके आएंगे और फिर नहा धो के सो। एक बात बता रही थी, मेरे को ना कल रात को सपना आया, क्या सपना आया मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, अगर किसी को समझ में आया ना क्या सपना था तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को ना ऐसे लगा कि हम वैष्णो माता पे जा रहे हैं, वैष्णो माता पे रास्ते में एक मतलब बहुत सारे पेड़ हैं और ना जैसे छज्जे नहीं बने होते वैसे छज्जे बने हुए हैं और वो मतलब जैसे जंगल टाइप नहीं होता, हाँ वैसा था, और उन पे ना पेड़ों के बिल्कुल ऊपर ऊपर इतने सांप लिपटे हुए, बहुत ज़्यादा सांप। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं और मम्मी पापा भी शायद दिख रहे हैं, और देव ना 2 सांप ऊपर से उतार के लेके आए उनको और नीचे ज़मीन में ला के रख दिया, और वो आराम से बैठ भी गए, मतलब यूँ नहीं कि उन्होंने काटा हो, आराम से बैठ गए वो, और जो छज्जे थे छज्जों पे 2 सांड थे, मतलब बिल्कुल काले इतने बड़े, और उनके जो सींग थे ना वो इतने बड़े सींग थे और बिल्कुल ऐसे गोल गोल से, जैसे क्या बताऊँ, ये जो मैक्रोनी नहीं आती बिल्कुल गोल गोल वाली स्प्रिंग वाले, वैसे इतने लंबे लंबे वो थे सींग उनके, और मैं यूँ कह रही हूँ इनके इतने सींग, और उनको ना सींग मतलब फंसे खड़े थे,
एक का मुँह ऐसे था और एक का ऐसे था, मतलब दोनों ऐसे अपोजिट खड़े थे और दोनों ना वहाँ पे दीवार में फंसे खड़े थे, ना तो वो हिल सकते ना वो बोल सकते। तो हम यूँ कह रहे कि देखना ही कैसे फंसे खड़े हैं, अब कोई इनके सीन काटेगा तब ये आगे जा सकते हैं। मतलब इतना पता नहीं क्या तो सपना था और इतने साफ दिखे वो पेड़ जंगल टाइप में। फिर मैं यूँ सोच रही हूँ कि वैष्णो माता पे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। ओहो पता नहीं क्या तो सपना था। और आज सोमवार भी है, शिव जी के वो शिव जी का ही होता है ये रूप, सांप भी शिव जी के हैं और वो भी। तो भाई बता ना मेरे को क्या मतलब है इस सपने का, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं कुछ भी रात को सोच के नहीं सोई, क्योंकि ऐसे होता है ना जो हम सोचते हैं भाई वो सपने में आ जाता है। कुछ नहीं सोचा मैंने किसी भी चीज़ के बारे में, पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आया मेरे को। भाई मेरा मज़ेदार सा खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, मैं खाना खाती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।